like a Hellcat. है फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं बना रहा था, उसकी वजह तो आप मेरे चेहरे पे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी समय से बीमार चल रहा था, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड लग गई थी और आपको एक लाइव वीडियो में आकर बताया भी था। तो काफ़ी समय के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग एक ऐसे प्रोडक्ट की जो हर ट्रेवलर को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बाइकर हो या फिर ट्रेवलिंग करता है लंबे लंबे जगहों पर, ख़ास तौर से खुद ड्राइव करके। तो आप जैसा कि इसमें देख रहे होंगे, ये कुछ आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने इसको पहले से ही ओपन कर रखा है, तो ये है, आप देख सकते हैं, ये जो है एक मोबाइल होल्डर है जो ख़ास तौर से उनके लिए बनाया गया है जो लंबे लंबे टूर पर जाते हैं और गूगल मैप के थ्रू, जो स्मार्टफोन में गूगल मैप होता है उसके थ्रू अपने रास्ते को पहचानते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि गूगल मैप कितनी हेल्प करता है हम लोगों को ट्रेवलिंग में, रास्ता जो भी हमारा नेविगेशन है उसको, इसके थ्रू हम अच्छे से ट्रैवल करते समय इसमें अपना स्मार्टफोन रख सकते हैं और इसके ज़रिए जो है हम ऑनलाइन ड्राइव जब करते हैं, जब ऑन रोड पर होते हैं, तो हम कंटिन्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं अपनी लोकेशन को और जहाँ पर जाना है उसको, और हमें जो रूट होता है उसको भी। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि एक तो ये मोबाइल होल्डर है, इसमें आप मोबाइल रख सकते हैं, उसको होल्ड करने के लिए हमारे पास ये होता है। ख़ास तौर से ये बाइक्स के लिए बनाया गया है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर बाइक चला रहे हैं या बाइसिकल भी चलाते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आप ये जो देख रहे हैं ये बेंड हो सकता है किसी भी एंगल पर, आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और मैनेज करना, तो आप अपने हिसाब से इसको आप एंड डाउन कर सकते हैं। और ये जो नीचे का आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये आप अपने हैंडल में जो मिरर होता है उसको ओपन करके इसके बाद वहाँ पर फिक्स करते हैं, खुद नटबोल से आप इसे फिक्स कर सकते हैं, कोई ज़्यादा पेचीदगी नहीं है। और ये जो आप इसमें एक देख रहे होंगे कि इसमें 360 डिग्री का रोटेशन है, यानी कि आप इसको जब इससे कनेक्ट करते हैं तो आप इसको मूव करा सकते हैं 360 डिग्री पर, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं इसमें, ये चूँकि स्मार्टफोन के साइज का है, मेरा जो सबसे जी अभी तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसे ये नहीं दिखा सकता हूँ, तो ये छोटा स्मार्टफोन आप देख सकते हैं कि कितना आराम से आ गया है। और चूँकि जिस स्मार्टफोन का मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो काफ़ी बड़ा है, आजकल इतने ही बड़े साइज में आते हैं, वो भी इसमें आराम से फिट हो जाता है, ठीक है। तो और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो आप मोबाइल रखेंगे वाटर प्रूफिंग का भी काम करेगा। सपोज आप ट्रेवल कर रहे हैं, ऑन रोड पर हैं और जब बारिश होने लगती है या मौसम में थोड़ी नमी होती है, तो उससे हमारे स्मार्टफोन पर जो है वाटर का जो है रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो भी इसमें अच्छे से हो सकता है। और ये ट्रांसपेरेंट है, आप इसमें स्मार्टफोन रखकर आप इसमें जो भी अगर कॉल आती है तो आप कॉल भी रिसीव कर सकते हैं, टच कर सकते हैं इसके ऊपर जो ये फिल्म लगी हुई इसके थ्रू भी। तो ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन इसमें जाने के बाद आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप नेविगेशन के लिए जब चाहे तब स्क्रीन ऑफ ऑन सब कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जब हम ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप इसमें देख सकते हैं ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा, जो शॉक ऑब्जर्वर के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सिर्फ सोचेंगे कि सिर्फ इसमें रखने से काम हो जाएगा तो नहीं, क्योंकि बाइक ट्रेवल करते समय इंडियन रोड्स जानते ही हैं कैसे हैं, गड्ढों से भरे पड़े होते हैं, तो जब आप उसमें जाएंगे तो ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा, ठीक है। ऑब्जर्व कर लेता है जितने भी शॉक्स लगेंगे, तो झटकों का भी डर नहीं है इसके यूज़ करने के बाद। शॉक ऑब्जर्वर के हो चुका है बात, अब बात करते हैं इसकी किसको लगाएंगे कैसे, ठीक है। ये तो हमने हैंडल में लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है नट बोल्ट के थ्रू। इसमें जो है आपको इसके लिए मैनुअल भी दिया हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा कि हम अगर मैं नहीं बता पाऊँगा ठीक से तो आप समझ पाएंगे कि नहीं, इसके लिए मैनुअल बकायदा दे रखा है, आप इसके थ्रू भी ये जान सकते हैं कि कैसे इसको लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैनुअल में देखकर भी कर सकते हैं, इसमें बकायदा स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है, बस इसको
आपको उसके हिसाब से देखना है। इसमें कुछ होल्स बने हुए हैं और इसमें भी कुछ उसी तरीके के होल्स बने हुए हैं, बस इसको फिट करना है। और जब इसको आप फिट करते हैं तो इसमें एक क्लिक की आवाज़ आती है जिससे आपको लग पता चल जाता है कि ये फिट हो चुका है। अब ये फिट हो गया है। अब देखिए, मैं जैसे जैसे बताया था आपको कि ये 360 डिग्री पर रोटेट कर सकता है, कि जगह अगर आपने इसको हैंडल में कुछ ऐसे लगा रखा है तो इस तरीके से आप नेविगेशन भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं गूगल मैप पर, और बहुत सारे चीज़ें इसमें कर सकते हैं रखने के बाद। तो अब देखिए, चूंकि ये 360 डिग्री पर है, मैंने इसे लॉक किया हुआ है, आप इसको ओपन कीजिए और इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आराम से मूव कर सकता है जिधर भी आप लोग, आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं सीधा भी, आप चाहे तो इसको थ्री ऐसे भी रख सकते हैं फ्लैट भी। तो इस तरीके का आप जो भी है आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर इसका मोबाइल होल्डर का इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि ये तो सही रेट में भी है और हमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ख़ास तौर से जब हम ट्रेवल करते हैं काफ़ी दूर के लिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर उस वक्त बारिश होने लगती है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल स्मार्टफोन को बीच बीच में हम निकाल कर नहीं देख सकते, क्योंकि बारिश के पानी से मोबाइल फ़ोन भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये उस चीज़ में भी बहुत अच्छा है कि बारिश होगा तो भी ये वाटर प्रूफिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, उस समय भी हम आराम से इसमें देख करके आगे ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ इसमें यह है कि आप अगर ये आपके पास नहीं है तो ट्रैवलिंग करते समय क्या करते हैं कि हम अब हर समय हाथ में रख कर तो हम ट्रैवल कर नहीं सकते, बाइक अगर चला रहे हैं तो या तो कोई पीछे बैठा हो उसे पकड़ा देंगे या फिर हम जेब में रखते हैं। तो अकेले हैं तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो इसको परचेज़ करना बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक इस मतलब स्मार्टनेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा अगर आप इसे परचेज़ करते हैं। खैर, ये आपके ऊपर है, और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ऑनलाइन स्टोर में जाइए और इसे परचेज़ कर लीजिए वहाँ से, अमेज़ोन। इसका प्राइस की बात करूँ दोस्तों तो 499 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन इसमें आपको मैं बताऊँ कि इसमें एक ऑफ़र चल रहा है। अगर आप इसका फीडबैक देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें, अगर आप इसमें फीडबैक देते हैं तो आपको जो है इसमें 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। तो यानी कि ये कुल मिलाकर लगभग आपको 400 रुपये का, यानी 399 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। और ये वाकई में हर ट्रेवलर की ज़रूरत है, आप अगर ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको ये महसूस हुआ ही होगा, क्योंकि जब मैं ट्रेवलिंग कर रहा था तो हमेशा स्मार्टफोन बाहर निकाल कर ट्रेवल नहीं, जब भी मोड़ आता था रास्ते में या फिर चौराहा आता था तो मुझे वहाँ रुक कर एक बार स्मार्टफोन को अपनी जेब से निकालना पड़ता था और देखना था कि मैं सही रूट पर जा रहा हूँ कि नहीं, या किस रूट पर अब मुझे किस तरफ जाना है। अगर उस वक्त मेरे पास ये होता तो मुझे ये चीज़ नहीं करना पड़ता, और यही चीज़ बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी हम रूट से आगे निकल जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम गलत रूट पर आ गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये मोबाइल होल्डर हर उस इंसान के पास होना चाहिए जो सेल्फ ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है कभी, और ऐसी जगहों पर भी वो ड्राइव करने से नहीं चूकता जहाँ पर वो पहले कभी नहीं गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये परचेस कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि आपको बता सकूं कि ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन स्टोर पर भी, तो वहाँ से आप इसको मंगवा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही स्ट्रांग प्रोडक्ट है, और एक बार ख़रीद लीजिए तो ये कभी भी ख़राब होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, अच्छा भी लगता है लगने जब आप बाइक में इसको लगा के जाएंगे तो लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह कितना अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया है, आज के ज़माने में हर चीज़ की सहूलियत हो चुकी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मिलती रहे नोटिफिकेशन हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की आपको सबसे पहले। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।